हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अभिषेक ने। तो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आप आकर हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस मुझे आप सबसे एक बात करनी है, हम 200 के बहुत पास है। तो अगर आप सब मेरी वीडियोस पहले से देखते हुए आ रहे हो, मतलब जिस जो फर्स्ट टाइम देख रहा है सेकंड टाइम देख रहा है, ये बात उनके लिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आप लोग हाँ जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि 200 के होने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप मुझे पहले से देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। और अगर आपका ये फर्स्ट या सेकंड टाइम है तो अभी मत दबाओ, आराम से फिर बाद में दबा देना जब अच्छा लगेगा, बट दबाना ज़रूर। सो अभिषेक नागपुर से बिलोंग करता है। अभिषेक की जो फैमिली है वो सब सुपर नेचुरल पावर्स में विश्वास रखते हैं। एक्चुअल में ये जो किस्सा है वो अभिषेक का नहीं, ना ही उसकी फैमिली, बल्कि अभिषेक के मामा और मामी जी के साथ हुआ था। अभिषेक के जो मामा और मामी जी हैं वो सुपरनेचुरल पावर्स इन सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। सो अभिषेक के मामा मामी की फैमिली में लाइक मामा जी, मामी जी और उनका एक 7 साल का बच्चा रहता था। सो जो मामी जी थी उनका एक रूटीन होता था, वो जब भी नहाती थी अपने बाल जब भी मतलब धोती थी तो पहले आएंगी पूरा मतलब तैयार होंगी, खुद को परफ्यूम लगाएंगी एंड फिर बालकनी में जाकर धूप में अपने बाल सुखाएंगी। तो ये उनका एक रूटीन था। तो हर बार की तरह वो ये रूटीन फॉलो कर रही थी। वो बालकनी में जाती है, उन्होंने अपने आप को परफ्यूम पूरा लगाया होता है, बालकनी में जाके बाल सुखा रही होती है। तो वो नीचे देखती है कि उन्हें ना बड़े रोने की आवाज़ आ रही होती है, बहुत लोग जैसे एक साथ रो रहे हो। तो वो फिर थोड़ी देर वेट करती है कि भाई ये आवाज़ कैसे आ रही है। तो जो धीरे धीरे वो आवाज़ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और जब वो ध्यान से देखती है तो बहुत सारे लोग मतलब बालकनी के नीचे ऐसे रोड से जा रहे होते हैं और उन्होंने कंधे में ऐसे उठाई होती है, लाइक किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे ऐसे 4 कंधों पे उठा के लेके जाया जाता है ना, तो वही जा रहा होता है। तो मामी जी बड़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि भाई ये यहाँ पे किसकी एकदम से डेथ होगी। तो जब वो पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि उन्हीं की गली में एक कोने में एक घर था जहाँ पे अभी रिसेंटली एक नया कपल आया हुआ था, उन्होंने अभी शादी करी हुई थी और जो लड़की थी उसकी जलकर वहीं पे ही मौत हो गई है। और तो मामी जी पूछती है कि जलकर मतलब कैसे? तो लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद को ही आग लगा दी थी। रीज़न क्या था किसी को नहीं पता, बट अब जब जल के उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी वजह से ही उनको अब ले जाया जा रहा है। मामी जी ये सब सुनकर बहुत हिल जाती है, ऑल दो वो उनका मतलब इतना ज़्यादा बातचीत नहीं थी उस लड़की से, बट फिर भी कभी कभी हाई हेलो हो जाती थी, मतलब थोड़ा बहुत जान पहचान तो थी। सो मामी जी को बड़ा धक्का लगता है एकदम से कि भाई अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था, बातचीत हुई थी तो तब तो ठीक थी और एकदम से ये सब। तो मामी जी को बड़ा अजीब लग रहा होता है, तो वो अंदर आ जाती है, वो बालकनी में नहीं खड़ी होती और वो अंदर आ जाती है। ठीक है, ये दिन बीत जाता है और ऐसे करते करते 13 दिन भी बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है। बट 14 जो दिन होता है, जो डे 40th होता है, उस दिन से चीज़ें थोड़ी ख़राब होना चालू हो जाती है। सो 40th डे जो होता है उसकी रात को जब सब सो रहे होते हैं तो मामी जी एकदम से ऐसे उनकी आँख खुलती है और वो देखती है कि वो शीशे के सामने खड़ी है। मतलब वो लास्ट टाइम जो चीज़ उन्हें याद है वो थी कि वो बेड में गई थी और आराम से सो गई थी, उसके बाद एकदम से आँख खुली और वो शीशे के सामने खड़ी है आधी रात को। और जब वो शीशे को देखती है तो उन्हें एक चीज़ बड़ी अजीब सी दिखती है। उन्हें दिखता है कि उनके पीछे एक औरत खड़ी हुई है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ है। तो मामी जी एकदम बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है और फिर से बेहोश हो जाती है। जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि मामा जी उन्हें ऐसे पकड़े हुए हैं, उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे उन्हें होश आता है तो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ तुझे और तू चिल्ला क्यों रही थी एकदम से। जिस पे मामी ने बताया कि मैंने मिरर के रिफ्लेक्शन में कुछ देखा था, अ लेडी विद अ बर्न फेस जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मामा जी को इन सब पे विश्वास था नहीं, तो वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे होंगे। बिकॉज मामी को पहले ही एक तो शॉक लगा हुआ था कि किसी की ऐसे एकदम से जलकर मौत हो गई है उस वजह से, और शायद इसी वजह से उन्हें ये हेलुसिनेशंस हो रहे हैं ये शॉक लगने की खबर से। बट उस दिन के बाद से मामी जी को वो लड़की जिसका फेस पूरी तरीके से जला हुआ था वो हर जगह दिखने लग गई थी। लाइक एक टाइम ऐसा आता है जब रात को ही नहीं बल्कि दोपहर में ही, अकेले ही नहीं बल्कि भीड़ में भी वो लड़की दिखने लग गई थी। लाइक एक बार वो मार्केट में ही ऐसे जा रही थी और उन्हें भरी दोपहर में भरी भीड़ में वो लड़की दिख जाती है, और वो फिर से वापस देखती है तो वहाँ वो लड़की नहीं होती। और ये चीज़ें इनके साथ इतनी रेगुलर होने लग गई थी कि मामी जी धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल होने लग गई थी। मामी जी के अकॉर्डिंग वो औरत ब्लैक कलर का बुरखा पहनती है जिसका चेहरा दिखता है सिर्फ, और चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ होता है, सिर्फ आँखें होती है जो थोड़ी मतलब ठीक से दिख रही हो, बट वो आँखें भी मतलब ऐसी नहीं होती जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बहुत डरावनी सी होती है, लाल कलर ये वो, वैसी नहीं होती,
नॉर्मल सी आंखें होती है, बट वो जला हुआ चेहरे के साथ वो बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। सो ये सब जब चल रहा होता है तो मामा जी मामी को डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, ये सोचकर कि मामी को कोई मेंटल इलनेस है। काफ़ी दिन तक मामी की ट्रीटमेंट चली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देन वो जो औरत होती है वो अब मामी जी को हर्ट करने लग जाती है। लाइक अब मामी जब सोकर उठती थी तो वो देखती थी कि उनके हाथ में स्क्रैचेस होते थे, लाइक किसी ने नाखून से ऐसे नोच दिया, उनके फेस पे स्क्रैचेस होते थे, उनके लिप्स में ऐसे टाइप के जख्म होते थे जैसे कि काट दिया हो, किसी ने कुछ पहनी चीज से काटे हो, मतलब ऐसे ऐसे टाइप के जख्म उन्हें दिखते थे अपने जब भी वो सोकर उठती थी अपने शरीर पर। सो अब जो अभिषेक होता है उसके घर वालों से मामा मामी जी ये बातें शेयर करते हैं। तो जैसा स्टोरी के शुरू में हमें पता था कि अभिषेक के जो मॉम डैड है वो सब इन चीज़ों में मानते हैं, तो वो बताते हैं कि उनके घर के पास ही एक मौलवी जी रहते हैं जो ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो प्लान ऐसा होता है कि मामा मामी जी बोलते हैं कि ठीक है हम आके उन्हें विजिट करके जाएंगे, बट मामा मामी जी बोलते हैं हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे क्योंकि हो सकता है जो स्पिरिट है वो आपको भी हार्म करे, तो हम कहीं साइड में होटल लेके रह लेंगे, बट जो हमारा बच्चा है जो 7 साल का बच्चा है उसे आप अपने घर पे रख लेना क्योंकि उसको इस माहौल में रखना मेरे को सही नहीं लग रहा। ऐसा ही होता है, जो 7 साल का बच्चा होता है वो अभिषेक के साथ ही मतलब उस घर में होता है, और ये चारों वहाँ से ही मौलवी जी के पास चले जाते हैं। मौलवी जी के पास जाते हैं, वहाँ 5 या 6 घंटे का पूरा प्रोसीजर पूरा वो चलता है। सो 6 घंटे के बाद मौलवी जी उन्हें बताते हैं कि अब जो वो आत्मा थी जो आपके ऊपर थी, जो आपसे मतलब एकदम अटैच हो गई थी, वो हमने हटा दिया, वो अब से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। और 6 घंटे बाद ये सब वापस घर आ जाते हैं ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। एक दिन वहाँ पर रुकते हैं और मामी जी को सही में कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, मामी जी को काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है और मतलब उन्हें अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया, वो जो थी वो जो मुझे दिखती थी अब नहीं दिख रही है, वो अब चली गई है। और उस दिन फिर ये सब अभिषेक के घर ही रुकते हैं और अगले दिन मामा मामी जी अपने जो 7 साल का बच्चा है उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर अभिषेक अपने घर वालों के साथ अपने घर पे रह रहे हैं। अब एक दो दिन ऐसे बीत जाते हैं, सबको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, तो अब नॉर्मल दिन बीत रहे हैं कि एकदम से जो मामी जी होती है उनके साथ एक और इंसिडेंट होता है। तो क्या होता है कि ये लोग फिर से रात को सो रहे हैं और मामी जी आराम से अपना सो रही है, तो उन्हें ना आवाज़ आती है, उनको आवाज़ आती है कि उनका जो 7 साल का बेटा है वो कुछ बोल रहा है। वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, आप मेरी मॉम मेरे डैड को डिस्टर्ब मत करो, वो बहुत अच्छे हैं, और प्लीज़ मुझे भी छोड़ दो। मामी जी बोलती है मेरा बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है, वो अपनी आँख खोल के देखती है, तो जो वो देखती है उसके बाद उनकी आँखें मतलब फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उनका बेटा मिरर के सामने खड़े होकर ये चीज़ें बोल रहा होता है, वही जगह जहाँ मामी जी का फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था जब वो सोई थी और मिरर के सामने, और जब उनकी आँख खुली थी तो उन्होंने देखा था कि मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, सेम उसी जगह पे वो बच्चा खड़ा होता है। मामी जी समझ जाती है कि स्पिरिट अभी भी उनके आसपास ही है और अब उसने मामी जी नहीं बल्कि बच्चे को पकड़ लिया। वो दौड़ कर जाती है, अपने बच्चे को बोलती है कि चलो बेटा तुम ऐसा करो सो जाओ, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो, और ला के सुला देती है। कोई बात नहीं करती कि तुम किससे बात कर रहे हो क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं पूछती, बस उसे सुला देती है। और मामी जी को उस पूरी रात नींद नहीं आती, इनफैक्ट पहले भी नहीं आती थी उन्हें रात को नींद, क्योंकि ये सब जो उनकी ज़िंदगी में एकदम से होने लग गया था उसकी वजह से रात को सोना इम्पॉसिबल हो गया था उनके लिए। तो वो बस कैसे तो करके अपने बेटे को सुलाती है और बस दिमाग में सोचे जा रही है कि अब क्या करा जाए, अब कैसे इस चीज़ से पीछा छुड़ाया जाए। और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है। फिर सुबह होती है तो मामी मामा जी को पूरी बातें बताती है कि रात को ऐसा ऐसा हुआ था, जिस पे मामा जी फिर जो अभिषेक की मम्मी है उनको कॉल करते हैं। अब क्या होता है, अभिषेक की मम्मी बोलती है कि एक काम करो तुम मेरे घर आ जाओ, बच्चे का मामला रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे ही होता है, वो लोग वहीं से सीधा निकल जाते हैं, ये सब पहुँचते हैं और जो बच्चा होता है वो 7 साल का उसको अभिषेक के साथ ही घर पे छोड़ देते हैं और ये सब सीधा मौलवी जी के पास वापस निकल जाते हैं। बच्चे को इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि जो मौलवी जी जहाँ पर थे वो जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत अजीब टाइप की थी, तो वो नहीं चाहते थे कि बच्चा बिल्कुल भी उस जगह में जाए, और इस वजह से ही वो सब जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अभिषेक और वो बच्चा अकेले हैं। अब अभिषेक नॉर्मली अपने कज़न से बात कर रहा होता है उससे कि और बता सब सही चल रहा है ये वो, बट अभिषेक नोटिस करता है कि वो बच्चा ना सिर्फ बाहर ऐसे देख रहा है, मतलब अभिषेक कुछ भी पूछा है तो ठीक है क्या कर रहा है तू आजकल, पढ़ाई कैसे चल रही है सब, वो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा, वो बस ऐसे खिड़की की तरफ देखे जा रहा है पर्दे की तरफ। और एकदम से वो लड़का बोल पड़ता है कि ये ना मेरे कज़न है, ये मेरे बड़े भैया है, तो आप प्लीज़ इनको कुछ मत करना, ये बहुत अच्छे हैं। तो अभिषेक एकदम क्यूरियस हो जाता है कि इसको क्या हो गया। अभिषेक पूछता है कि भाई क्या हो गया, तू किससे बात कर रहा है, तो वो बताता है कि यहाँ ना कर्टेन्स के पास एक ना आंटी खड़ी है, वो मुझे देखती रहती है रोज, तो वो आज आपको भी देख रही है और बहुत गुस्से में देख रही है। अब ये चीज़ें सुनकर अभिषेक बहुत ज़्यादा डर जाता है, एक तो
रात का टाइम हो रहा है, घर में ये दोनों अकेले हैं, मॉम डैड नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है इनफैक्ट। और अभिषेक को ये चीज़ें पता चल रही है कि कोई तो एक औरत है जो अभिषेक को ऐसे एकदम गुस्से से देख रही है। अभिषेक थोड़ा सा डर जाता है इस चीज़ को सुनकर। ऑल्दो अभिषेक को थोड़ा डर लग रहा था बट अभिषेक फिर भी हिम्मत वाला था। उसके साथ अभिषेक का बताना है कि चीज़ें पास्ट में थोड़ी बहुत हुई थी ऐसी, तो उसको आइडिया था कि ओके ऐसी चीज़ें होती है बट इनसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि जितना तुम डरोगे, जितना शो करोगे कि मैं डर रहा हूँ, वो उतनी ज़्यादा हावी हो जाती है। तो अभिषेक ऐसे बोल देता है कि अच्छा ठीक है तुम एक काम करो वहाँ जाकर सो जाओ, रात हो गई है, और उसको सुलाने की कोशिश करता है अभिषेक। अब रात के कुछ करीबन 8:30 बज रहे हैं, वो बच्चा सो रहा है, अभिषेक भी साथ में ही उसको मतलब सुला रहा है। अब अभिषेक थोड़ी सी दूर जाता है, मॉम को कॉल करता है कि मम्मी कब तक आओगे आप। मम्मी बताती है कि मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। अभिषेक बोलता है ठीक है। अभिषेक ये सब कॉल वॉल करके वापस आता है तो वो देखता है कि बच्चा अभी भी सो रहा है बट उसके जो हाथ है उधर निशान है, किसी के मतलब किसी ने ऐसे पकड़ लिया है और वो पूरे निशान हाथ में है और वो इतनी ज़ोर से पकड़ा है कि वो पूरे लाल कलर के निशान है। अब अभिषेक थोड़ी देर वेट करता है, तब तक बाकी सब भी आ जाते हैं। सब आ जाते हैं तो अभिषेक दिखाता है कि देखो ये सब हुआ इसके साथ ऐसा ऐसा, और ये कह रहा था कि इसे कोई औरत दिखाई दे रही है यहाँ पर ऐसा। तो सब ऐसे डरे हुए होते हैं और बताते हैं कि हम जब मौलवी जी के पास गए थे तो उन्होंने बताया था कि जो मुस्लिम कल्चर है उसमें ऐसा माना जाता है कि जब किसी की बॉडी ऐसे ले जा रहे होते हैं तो उसके पास ऐसे परफ्यूम लगा के खड़े नहीं होते, बाल खोल कर खड़े नहीं होते और गीले बाल करके खड़े नहीं होते। और जो मामी जी थी उन्होंने ये तीनों चीज़ें करी थी जिसकी वजह से जो वो बॉडी की जो एंटिटी थी, जो स्पिरिट थी, वो मामी के साथ अटैच हो गई थी और वो अब बच्चे के साथ इसलिए हो गई है क्योंकि मामी जी ने उसको अपने से दूर कर दिया था तो वो बच्चे के साथ हो गई है। बट हम बच्चे पे वो रिचुअल्स जो 5 घंटे का रिचुअल इन्होंने करा था ना मामी जी के साथ, मौलवी जी ने ये सब वहाँ बैठे हुए थे जब वो एंटिटी वहाँ से चली गई थी, वो चीज़ें सेम बच्चे के साथ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और वो रिचुअल्स करने में थोड़ी पावर लगती है, थोड़ा सा मतलब है चीज़ें जिसकी वजह से बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो मौलवी जी ने भी मना कर दिया कि हम बच्चे के साथ नहीं कर सकते। बट एक दो चीज़ें मौलवी जी ने करने को बोली थी इन सबको कि बच्चे को तुम्हें ऐसे धागा पहना देना, एक मंत्र बोला था वो मंत्र पढ़ के मतलब उसको एक चीज़ दी थी जो गले में पहनने के लिए वो पहना देना जिससे वो एंटिटी जाएगी नहीं, अलग नहीं होगी बट उस स्पिरिट की पावर कम हो जाएगी जिससे बच्चा कम हार्म हो, मतलब बच्चे को कम या ना मात्र ही हार्म होगा। सो जब उस बच्चे को सब कुछ पहना दिया जाता है तो तब से लेके आज तक उस बच्चे को कोई हार्म नहीं हुआ, कोई ऐसे उसके निशान नहीं मिले या फिर वो रात को ऐसे बड़बड़ाता नहीं था शीशे के पास जाकर। तो सबको लगा कि शायद चीज़ें ठीक हो गई हैं और ठीक हो गई थी क्योंकि कोई हार्म नहीं हो रहा था। तो अब रिसेंटली वो सब वापस से अभिषेक के घर आए थे, मामा मामी जी ये सब, तो ये सब वापस खेल रहे थे और अब ये सब बड़े हो चुके हैं। ये जो बात थी बहुत पुरानी थी तो लाइक अब तो ये सब 18-19 साल के हो चुके हैं। तो अब जो अभिषेक है वो पूछता है उससे कि और बता अभी भी तुझे वो दिखती है जो तुझे उस टाइम दिखती थी, जिसपे वो बच्चा एकदम शांत हो जाके ऐसे करता है लाइक अभी भी दिखती है, वो अपने ऐसे सर हिलाता है। अभिषेक पूछता है अच्छा तो कहाँ पर है वो अभी, जिसपे वो बच्चा बोलता है आपके जस्ट पीछे। सो गाइज ये थी अभिषेक के मामा मामी जी की स्टोरी जो कि हमसे अभिषेक ने शेयर करी है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस एंड आई होप कि आप सबको भी ये स्टोरी अच्छी लगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।